इसे हम हिंदी भाषा में थूकना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्पिट बोलते हैं। जैसे सड़क पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द रोड। इसे हम हिंदी भाषा में पादना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फार्ट बोलते हैं। जैसे पादना मत, डोंट फार्ट। इसे हम हिंदी भाषा में अंगूठा चूसना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सक बोलते हैं। जैसे अपना अंगूठा चूसना बंद करो, स्टॉप सकिंग योर थंब। इसे हम हिंदी भाषा में टांग हिलाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में शेक लेग्स बोलते हैं। जैसे तुम अपनी टांगे क्यों हिला रहे हो, व्हाई आर यू शेकिंग योर लेग्स। इसे हम हिंदी भाषा में नाक में उंगली डालना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पिक वंस नोज बोलते हैं। जैसे अपनी नाक में उंगली मत डालो, डोंट पिक योर नोज। इसे हम हिंदी भाषा में कचरा फैलाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लीटर बोलते हैं। जैसे कचरा मत फैलाओ, डोंट लीटर। इसे हम हिंदी भाषा में खटखट करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्लिक बोलते हैं। जैसे पेन को क्लिक क्लिक करना बंद करो, स्टॉप क्लिकिंग द पेन। इसे हम हिंदी भाषा में उंगलियां चटकाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्रैक नकल्स बोलते हैं। जैसे तुम अपनी उंगलियां क्यों चटका रहे हो, व्हाई आर यू क्रैकिंग योर नकल्स। इसे हम हिंदी भाषा में सिगरेट पीना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्मोक बोलते हैं। जैसे उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, ही क्विट स्मोकिंग। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नीचे ब्रैकेट में तीन फॉर्म दी गई है वो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। इसे हम हिंदी भाषा में शराब पीना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं। जैसे मैं शराब नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक। इसे हम हिंदी भाषा में दांत पीसना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्राइंड टीथ बोलते हैं। जैसे अपने दांत पीसना बंद करो, स्टॉप ग्राइंडिंग योर टीथ। इसे हम हिंदी भाषा में नाखून चबाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बाइट नेल्स बोलते हैं। जैसे अपने नाखून चबाना बंद करो, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स। इसे हम हिंदी भाषा में खर्राटे लेना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्नोर बोलते हैं। जैसे वह खर्राटे ले रहा है, ही इज स्नोरिंग। इसे हम हिंदी भाषा में डकार लेना या मारना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बर्क बोलते हैं। जैसे जोर से डकार मत लेना, डोंट बर्क लाउडली।